गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छी नींद थी क्योंकि थक गया था काफ़ी ड्राइव करके। अंशु तो अभी सो ही रहा है, अंशुमन बेबी। और 5:30 हुए हैं, 6:15 बजे तक यहाँ से निकलते हैं फटाफट फ्रेश होके और नहा के। व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ से मेन हाईवे दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो ये जो है शिमला का हाईवे डबल हो गया है और मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया होगा अब तो। ये वहाँ तक पूरा शिमला तक जो है डबल लेन बन गया है। अब जस्ट फटाफट तैयार हो लेते हैं और निकल लेते हैं। आज का स्टॉप सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे कहीं बढ़िया, और मेरा सवाई ग्रीन्स मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पे अक्सर हमारा जब हम दोपहर को निकलते हैं या सुबह सुबह निकलते हैं तो यहाँ पे आके हम ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे अंदर फूड कोर्ट भी है बहुत अच्छा, तो फूड कोर्ट पे अगर कभी खाना खाना हो आपने तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप सुबह 6-7-8 बजे निकलो शिमला के लिए और फर्स्ट स्टॉप आप सवाई ग्रीन्स पे ही लो। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है और वेराइटी बहुत सारे अवेलेबल होती है। चलो फटाफट तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। ऑलमोस्ट वी आर पैक्ड एंड वी आर लीविंग दिस होटल, और अभी 6:30 बजे हैं। आज का नाइट स्टॉप देखते हैं कहाँ तक ड्राइव हो पाता है। एंड अंशुमन अभी भी नींद में ही है, सो रहा है, यॉनिंग कर रहा है क्योंकि अंशु अभी नहाया नहीं है और हम नहा लिया। नहाए हो आप? ओके वाओ, सो 6:30 अंशुमन भी नहा लिया है और हम फ्रेश हो के नहा धो के अब जो है दोबारा कार में बैठ के अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो जी, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द होटल। ये इस बार बारिशों में गिरे हैं ये पत्थर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड मनिका विल गिव सम कमेंट्री। या इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड वी आर मूविंग थ्रू द क्लाउड्स। आई कैन नॉट फोकस ऑन द क्लाउड्स ऑन द राइट साइड, बट इन द वैली द क्लाउड्स वर जस्ट फ्लोटिंग बाय एंड इट वाज अ मैजेस्टिक व्यू। देखा यहां पे राइट में अगर करते दिखा सामने, फॉगी थिंग इज clouds hai clouds. This is a geographical phenomena. When there is a variation in temperature, what happens is ke dheere dheere temperature increase ho raha hai jaise jaise sun aa raha hai, because it's the sunrise time. To kya hai ki temperature jaise jaise increase ho raha hai, raat mein kafi thand thi aur dheere dheere gradually increase of temperature jo hai wo in clouds ko jo hai wo dheere dheere dissipate karega. Matlab it happens ke night mein jab temperature low hota hai to मॉइस्चर जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जब सुबह गर्मी होती है धीरे धीरे सन उसे ब्रू करता है और उसको फिर ऊपर की तरफ लाता है। तो देखो क्लाउड्स कितने, बिल्कुल ब्लैंकेट ऑफ द क्लाउड्स है एंड वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग अबव द क्लाउड्स। वो सामने वीडियो बना रहा है कोई इस फिनोमेना का, देख रहा है? सो इट्स अ कंप्लीट ब्लैंकेट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल। सो नाउ वी हैव रीच्ड शिमला। वो नारकंडा 67 किलोमीटर है। बीच में रोड जो है कहीं कहीं पे डबल है, कहीं पे सिंगल है, वन वे है, और कहीं पे काफ़ी अच्छा है, कहीं पे काफ़ी ख़राब है, तो मिक्स्ड है। बारिश की वजह से काफ़ी जगह बीच बीच में लैंडस्लाइड भी हुई है, इस बार हिमाचल में काफ़ी बारिश हुई थी। बाकी हम बिल्कुल शिमला जस्ट एग्ज़िट करने वाले हैं, एक पोस्ट आएगी वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, तो हम आउटर शिमला से सीधा कुफरी होते हुए और नारकंडा की तरफ जाएंगे। और मैं और अंशु तो पूल सो गए थे, हम जस्ट अभी उठे हैं। बेटर है ना, अंशुमन इंजॉय कर रहा है, पीछे आराम से सो रहा है, दैट इज़ गुड। जैसे ट्रेन में मज़ा आता है ना सोने में, उसको ऐसे ही जो है कार में मज़ा आता है सोने में। कार चल रही होती है और अंशु सो रहा होता है ना अंशु?
Shimla is always so much beautiful. Look at the clouds on the valley. उसके बाद जो है बादल आ रहे हैं सुबह के 8:15 बजे हैं अभी और शिमला हम जस्ट एग्जिट कर रहे हैं. लेफ्ट टर्न आएगा और हमें मारकंडा की तरफ जाना है. पॉपुलेशन बहुत हो गई है शिमला में, ओवर पॉपुलेटेड हो गया है. सर्दियों में तो बल्कि यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत होती है अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो तो शिमला हम बहुत बार रुके थे पहले, बट अब तो पिछले आई थिंक 10-12 साल से तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहे शिमला, क्योंकि शिमला इज़ नाउ जस्ट अ बाईपास फॉर अस. शिमला में अब कुछ रहा नहीं है भीड़ भड़क्के के अलावा. और स्नो ड्राइव पे जब आते हैं, जब भी हम शिमला नहीं नारकंडा की कोशिश करते हैं कि नारकंडा रुकेंगे. अब ये फेमस चेक पोस्ट आ गई है, ये ट्रैफिक पोस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि अगर आपको शिमला से बाहर जाना है. नहीं भैया हम तो काजा जा रहे हैं. तो अब ये रही वो नाउ ये रही. अब ये लक्कड़ बाजार के बाहर से जाएगा जो आउटर है ना, ये टनल आ गई है. चलो अब नाश्ता करते हुए मिलेंगे. बस शिमला की आउटस्कर्ट्स पे जो है नारकंडा वाले रोड पे काफी भारी जाम लगा हुआ है. 15 मिनट से हम फंसे हुए हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे. नारकंडा जो है 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है और अंशुमन जी बस अपना इंजॉय कर रहे हैं, लेटे हुए हैं. हेलो करो अंशुमन. हम अंशु की क्लास कनेक्ट करने की कोशिश और अंशु की क्लास कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है. बीच में नेटवर्क चला गया, एक बार हुई थी, अब नहीं हो रही. तो कुल मिला के ये है कि अंशुमन की तो जो है वो मौज हो गई है. सीरियसली फॉर द नेक्स्ट मेनी डेज आई थिंक मैम को बोल देते हैं एक बार मैसेज करके ना कि वी आर आउट एंड नेटवर्क का थोड़ा टेंशन. चलो ट्रैफिक तो चला. तो जस्ट ट्रैफिक से बाहर निकले हैं और हमने एक सुसु ब्रेक लिया है. ये रहा नारकंडा का हाईवे और बहुत ही प्यारा वेदर है, बादल वगैरह हैं. आई होप के जो है ज़्यादा हमें बारिश का सामना ना करना पड़े. तो ये पहुंच गए हम नारकंडा, फाइनली बोर्ड आ गया वेलकम टू नारकंडा का. और जस्ट अब बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख बहुत लगी है. तो नारकंडा पहुंच गए हैं हम. मनिका और अंशुमन को मैंने उतार दिया है वर्ल्ड फेमस नेगी ढाबे पे जो है नाश्ता करने के लिए. जैसे मेरे पीछे देख सकते हो क्लाउडी सा वेदर है एंड जो है अब मैं वॉक कर रहा हूँ. सबसे पहले नारकंडा 2002 में आया था मैं, उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार आया हूँ. सर्किट हाउस में रुकता हूँ. तो अगर नारकंडा आप आ रहे हो तो नारकंडा में 3-4 जगह हैं जो आप मेन देख सकते हो. मैं अभी कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो है नारकंडा ऑलरेडी देखा हुआ है. तो तानी जुबार लेक है एक, फिर आप हाटू पीक जा सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल स्नोफॉल भी यहाँ पे बहुत भयंकर होती है, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो. अब ज़रा नेगी ढाबे की तरफ चलते हैं. अंशु तो शुरू हो गया अभी से ही लेके कोल्ड ड्रिंक लॉटरी इसकी. कम विद अ व्यू बैठेंगे ना यहाँ पे. अपनी ये फिक्स्ड सीट है जहाँ हम हर बार बैठते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है. क्लाउड्स हैं हर जगह वैली में. हाँ जी कहाँ बैठ गए थे तुम? हाँ जी दे दिया ऑर्डर. ठीक है लंच आइटम्स.
अच्छा तो ठीक है सो अंशुमन का ब्रेड बटर आ गया है, दही आ गई है, हम पराठों की वेट कर रहे हैं, है ना? अंशी कैसा है बेबी? इसे अच्छा है, और कुछ चाहिए तो बता देना। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ की कढ़ी भी बहुत अच्छी होती है, कढ़ी खाएं और रोटी, बट 10 बजे कौन कढ़ी रोटी देगा, तो इनके पास अभी ब्रेकफास्ट में भी जो है वो लिमिटेड आइटम्स अवेलेबल हैं। सो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम चितकुल जाएं या अगला जो है कल्पा रुकें, तो देखते हैं क्या होता है। अंशु कहाँ जाएं? चितकुल। ओके मनिका, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक वी शुड गो टू कल्पा। ओके चलो करते हैं डिसाइड। ये आ गया गोभी पराठा, अचार और दही और बटर अमूल का। टू टॉप इट ऑल, हमने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया और अब हमने जिंजर लेमन हनी मंगाई है, वेरी नाइस एंड सूदिंग टी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट। ये स्पेशलिटी है इस ढाबे की, क्या हिल्स की, हिमाचल की, लद्दाख की, जहाँ भी जाओ आप, ये चीज़ यू के नास्क और मज़ा आता है। और अगर बाहर ऐसी सीनरी हो, वेदर ठंडा हो, ये आपको इम्यूनिटी भी देती है, बिकॉज़ इट इज कोल्ड ना, तो इट्स गुड ऑलवेज टू हैव सम लेमन एंड हनी, सूदिंग आल्सो एंड गिव यू वार्मथ आल्सो विदाउट गिविंग यू कैफीन व्हिच इज देयर इन टी और कॉफी, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दिस। अंशुमन अभी लगे हुए हैं अपने पराठा खाने में गोभी का, और हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कल्पा जा रहे हैं। 160 किलोमीटर है लगभग, तो आराम से जाएंगे। पहले रामपुर है, रामपुर में फ्यूल डलवाएंगे। सामने देखो पेट्रोल पंप पे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, 7-8 गाड़ियां लगी हुई हैं डीजल पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे। तो हम यहाँ नहीं डलवाएंगे, अभी हमारी क्वार्टर टैंक से थोड़ा सा कम हुआ है, सो वी हैव एनफ फ्यूल, हम आराम से रामपुर में डलाएंगे, वहाँ खाली पेट्रोल पंप पे लेंगे। तो चलो ब्रेकफास्ट तो लगभग ओवर हो गया, अब मैं अपनी फटाफट से चाय, ये जिंजर लेमन हनी ख़त्म करते हैं और फिर गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो जी डाइमॉक्स भी ले ली है क्योंकि काफ़ी हाइट पे जा रहे हैं हम, तो ये गोली जो है आपको पता नहीं, दिल्ली में तो हमने 2 केमिस्ट से पता करी थी और मिली नहीं थी, बट ये गोली जो है हमें यहाँ नारकंडा के जो मेडिकल स्टोर था वहाँ पे मिल गई। अब इस गोली को हमें लेना है जब हम हाइट पे पहुँचेंगे, अभी तो इसे अब अंदर रख देते हैं। तो जी नारकंडा से नीचे उतरकर हम पहुँच गए हैं सेंज, और वो सामने आपको सतलुज नदी दिख रही है, फियर्स सतलुज। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो बहुत फियर से आवाज़ थोड़ी सी यहाँ भी सुनाई दे रही है। क्या है कि सेंज एक बीच का पॉइंट है, मतलब ये कि सेंज जो है जब आप शिमला से नारकंडा जाते हो, नारकंडा बहुत हाइट पे है, उससे नीचे उतरना पड़ता है आपको, और सेंज एक तिराया है जहाँ से एक तो रोड आपके शिमला की तरफ जाता है, एक रामपुर की तरफ जाता है, और एक रोड जो है वो जाता है जलोरी पास की तरफ। हाँ जी, जलोरी पास और तिरथन वैली, जहाँ पे मतलब तिरथन इज़ माई सेकेंड होम लोग बोलते हैं, और इनफैक्ट आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड देयर जहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं अपना हॉलीडे होम बनाऊँगा। तो कई बार मैं इस रोड से भी गया हुआ हूँ सेंज वैली की तरफ से, कि जो है सेंज से ऊपर जलोरी पास और फिर नीचे दोबारा तिरथन। तो अब हम पहुँच गए हैं सेंज, और यहाँ से राम झाकड़ी अराउंड 40 किलोमीटर्स है, वो रही सामने गाड़ी खड़ी, और उसके बाद रामपुर पड़ेगा, एंड देन आफ्टर रामपुर वी विल वेंचर इनटू कल्पा। दिस इज़ द मेन हाईवे। तो
कई सालों से जो है वो कुल्लू वाला जो रास्ता है, मतलब जो तीर्थन वैली की तरफ जाता है, पहले तो मैं काफ़ी बार जो है उस रूट से गया था, बट कई सालों से वो जो है बंद पड़ा हुआ है। तो मैं अब ज़रा बस पता करने जा रहा हूँ कि वो रूट जो है खुल गया है कि नहीं। अगर वो खुल गया है तो बेटर है, अगली बार जो है हम जो अपना तीर्थन वैली है वो इस रूट से जा सकते हैं, इससे बेटर पड़ेगा। चलो देखते हैं ये रूट खुला है कि नहीं, पूछ के आते हैं किसी से। कौन है यहाँ भैया? जो कुल्लू वाला रास्ता है यहाँ से खुल गया है क्या? कई सालों से बंद था ना। कौन सा रास्ता? ये जो जलोरी पास, जलोरी से नीचे जाता है। बढ़िया बन गया अब? बन गया। अच्छा, कई साल से बंद था, बड़ी दिक्कत होती थी। बीच बीच में है वैसे, पर ओपन है। ओपन। पहले तो एक गांव से घूम के जाते थे ना। अच्छा चलो थैंक यू। सो वी टुक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, कुछ रसना वगैरह बनाएंगे, कुछ ड्रिंक्स, देखते हैं अगर मैगी का मन करेगा तो मैगी भी बना लेंगे। मनिका लगी हुई है अपने खजाने में से जो है सामान निकालने, मैं अभी फटाफट जो है लगा लेता हूँ। अंशु डू यू वॉन्ट टू सिट? ओके। हम पवारी से लगभग 74 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ पे ही हम डीज़ल फुल कराएंगे दोबारा से। अभी क्वार्टर टैंक बचा है और पजेरो का टैंक जो है वो 100 लीटर्स का है, अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर आ जाता है डीज़ल, तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप पे। अब जो है हमारे नींबू पानी तैयार हो रहा है, रसना नींबू पानी हमारी शेफ तैयार कर रही हैं। है? मसाला नींबू पानी ऑन द गो, सो वी आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग, ग्लासेस व्हिच आर नॉट डिस्पोजेबल, salt, pepper, everything you can show our masala kit. This masala kit is specifically for making drinks and charts. And we have a special kind of glasses also. See, 3-4 glasses that can be actually stacked onto one upon each other, one on one. इस टाइप से आ जाते हैं और 4-5 ग्लास इस कंटेनर में जो है ये बंद हो जाते हैं। This is cute ना? तो सारा इंतज़ाम है, कुर्सी, टेबल, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो है बेंच 4 लोगों के लिए, अम्ब्रेला शेड के लिए, यॉनिंग भी है वो, बट यॉनिंग मैं निकाल आया हूँ। एंड द डिस्पेंसर, इस बार हम बिस्लेरी भी लाए हैं, मैं बताया था ना कि बिस्लेरी 30 लीटर भर लाए अपने आर ओ से, और हम जो है वी विल बी नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट दिस टाइम। वैसे भी हम जब भी जाते थे लेके तो वापस खाली बॉटल ला के दिल्ली में ही डिस्पोज करते थे, कभी भी पहाड़ों पे नहीं फेंकी हमने, बट उसके बावजूद भी इस बार जो है हम ये बिस्लेरी की लेके आए हैं एंड वी फील दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। तो इंस्टेड ऑफ यू नो, तो जी मेरा नींबू पानी तैयार हो गया है बिल्कुल, और अब मैं जो है इसे पीता हूँ। चीयर्स अंशुमन, चीयर्स। ओके, एंड वेयर इज योर मनिका? So Anshuman is enjoying on a small waterfall. Probably this is the first time which he is seeing a waterfall like this. इसको pebbles throw करना बहुत अच्छा लगता है। जब सर्दियों में आए थे तो ये जमा हुआ था बिल्कुल। वो रही मेरी वाइल्ड पजेरो एंड वी हैव एंटर्ड द किन्नौर। अभी गेटवे टू किन्नौर आएगा तो वहां पे भी रुकेंगे। लुक एट द ब्यूटीफुल क्लाउड।
दिस इज द गेट वे टू किन्नौर. ये जो बहुत ही फेमस रॉक है ये. Finally, we have reached Kalpa, majestic Kinnaur Kailash range, snow-laden mountain peak सामने दिख रही हैं. होटल एप्पल पाई में चेक इन किया है हमने. नीचे यू कैन सी द एप्पल ट्रीज एवरीवेयर. तो राजीव भाई ने रिकमेंड किया था एंड द प्लेस इज ओन्ड बाय अमन. अ वेरी नाइस एंड कोजी प्लेस. कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच में है. काफ़ी ऊंचाई पे है. मेन रिकॉन्ग पीओ से अराउंड 10-11 किलोमीटर्स. रूम्स आर प्रिटी डिसेंट, नाइस एंड बेसिक. लाइक यू कैन सी दिस इज अवर रूम. हेलो अंशुमन, व्हाट आर यू डूइंग? गोइंग आउटसाइड. आउटसाइड? व्हाट यू विल डू? यू वांट टू सिट आउटसाइड? ओके. सो दिस इज द बेड. ये रूम है. बेसिक रूम विद लार्ज विंडोज. ये कर्टेन्स एंड सो